कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस कर्मियों से लूटी गई राइफल की घटना को सफल अनावरण किया है। आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ तथा घटना का षड्यंत्र रचने वाले अपराधियों को आश्रय देने वाली महिला सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। लूटी गई राइफल इंसास में 20 कारतूस में मैगजीन बरामद किए हैं। आपको बता दें, जनपद के कोतवाली कासगंज क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 19 अगस्त की रात्रि में कोतवाली में नियुक्त आरक्षीगण गश्त कर रहे थे। समय करीब 3:15 बजे रॉयल एनफील्ड के सामने अमेजन शोरूम पर कुछ बदमाश अमेजन स्टोर का ताला तोड़कर सामान चोरी कर रहे थे। तब पीछे से गश्त कर रहे कोबरा 3 के आरक्षी रवि कुमार एवं अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा चोरी कर रहे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, तो बदमाशों द्वारा लोहे की रोड सरिया से पुलिसकर्मी पर हमला करते हुए आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह की इंसास राइफल मय मैगजीन मय 20 कारतूस लूटकर गाड़ी होंडा CRV से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना कासगंज पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु SHO कासगंज, SHO गंज डुंडवारा, SO सुनगढ़ी, SOG एवं सर्विस लांस की 5 टीमें गठित की गई। गठित टीमों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के चलते इस वारदात का खुलासा कर दिया गया। सर, अभी एक मुठभेड़ हुई है, क्या कहना है? देखिए, 18 और 19 की मॉर्निंग में एक अमेजोन के गोदाम में चोरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमारे दो कांस्टेबल मौके पर पहुँच के वो घटना को रोकने में सफलता उनको प्राप्त न हुई। उसी न समय हमारे एक न कांस्टेबल न सिपाही की राइफल, जो इंसास राइफल है, उस अभियुक्तों द्वारा छीन के और उसके साथ मारपिटाई करके उस वो राइफल जो है वो अपने न साथ अपनी गाड़ी में डालकर लेके गए। मेरे द्वारा 5 टीमों का इसमें गठन न किया गया। आज एक सूचना मिली कि वो जो राइफल है, एक न व्यक्ति जो उसमें मेन जो अभियुक्त है न उसके पास है। हम लोगों ने उसकी ये जो सूचना है उसके ऊपर विश्वास करते हुए लगातार चेकिंग का अभियान जो है पूरे जनपद स्तर पे इसमें न कराया था। इसी न बीच एक न मुलजिम को हम लोगों ने बाइक पे आते हुए देखा, उसको रोकने की जो है पुलिस ने कोशिश की, उसको वार्निंग भी दी गई, उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग न खोल दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके न टांग पे गोली लगी है। तत्काल उसको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। मौके से एक बैग बरामद हुई है जिसमें इंसास की वो राइफल न मौजूद है। कुछ लोगों का इसने नाम लिया है जो इस घटना में उसके साथ शामिल थे, और अन्य 120B के भी उसमें कुछ न मुलजिम हैं। इसका इसने अपना नाम न पवन बताया है। इसके कुछ अन्य साथी हैं जिसके लिए हम लोगों ने अभी त्वरित जो है वो न टीमों को रवाना कर दिया है।